तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा गाइस, आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन की तरफ से। तो गाइस ये जो कंपनी है टॉप एमएनसी कंपनी है, आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और ये किससे रिलेटेड कंपनी है। तो गाइस आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में, और साथ ही देखिए यहाँ पर हम इस कंपनी के बारे में सभी जानते हैं। यहाँ से जो आप लोगों की वैकेंसी निकल कर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आ रही है, यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सैलरी रहने वाली है, किस तरीके से अप्लाई करना है, और साथ ही आप लोग के किस बैच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग गाइस देखिए, यहाँ पर अगर आप 2022 के बैच के स्टूडेंट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यस बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग अगर फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ्रेशर आप लोग के पास 0 ईयर एक्सपीरियंस अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, अगर आपने यहाँ पर 10th+ डिप्लोमा किया है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गाइस अगर आपने यहाँ पर 12th+ डिप्लोमा किया है, जो लोग यहाँ पर के ग्रुप से हैं, मतलब यहाँ पर जो है के ग्रुप से 2 डिप्लोमा किए हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के पास अगर ग्रेजुएशन है, जैसे BE है, या फिर अगर BTech वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर, और साथ ही देखिए यहाँ पर स्पेशली बता दूँ BTech वाले स्टूडेंट जो डिप्लोमा के बाद कुछ स्टूडेंट यहाँ पर BTech किए होंगे वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर से अप्लाई करें। यहाँ देखिए आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन रहेगी, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन BE BTech सभी एलिजिबल है। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी वैकेंसी की ओर चलेंगे। तो देख सकते हैं गाइस आप लोगों को यहाँ पर आप लोग की जो पोस्ट रहने वाली है, ट्रेनी की पोस्ट रहने वाली है गाइस, यहाँ पर ट्रेनी की। अब यहाँ पर जो डिप्लोमा वाले की पोस्ट रहेगी वो रहेगी DET की पोस्ट। तो DET मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, यहाँ पर फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर जो लोग 1 ईयर एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर बात आती है कि अप्लाई किस तरीके से करना होगा। पहले हम सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं, क्योंकि इसकी डिटेल जानने से पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या इस, यहाँ पर आप लोग का एक naukri.com ऐप रहता है। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आप लोग की ईमेल आईडी और आपका बायोडाटा मांगेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों से मांगी जाती हैं। आप लोगों को 100% आईडी अपनी क्रिएट करनी है, क्या करनी है, 100% आईडी क्रिएट करनी है। साथ ही वहाँ पर एक रिज्यूम का ऑप्शन आता है, उसे करना है डाउनलोड। वहाँ पर अपलोड कर देंगे रिज्यूम को, अपलोड करने के बाद आप लोगों की प्रोफाइल जो है कम्प्लीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, जैसे देखिए मैं आप लोग की एक यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आप लोग की जो एक्सपीरियंस है, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन आप लोग की दी गई है, 1 डे पहले ये गाइस पोस्ट की गई है। यहाँ पर आप लोग की जो 10 ओपनिंग्स आ रखी है, की स्किल गाइस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया, सिर्फ अगर आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा है तो यहाँ पर अप्लाई करें आप लोग डिप्लोमा से, ऐसा कोई आप लोगों से मेन की स्किल नहीं मांगा गया है। देख सकते हैं पोजीशन आप लोग की रहेगी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की यहाँ पर, और यहाँ पर लोकेशन आप लोग की दे रखी है गाइस। अब देखिए यहाँ पर आप लोग का जो स्टाइपेंड रहेगा, स्टाइपेंड आप लोगों की सैलरी होती है एक प्रकार की गाइस। आप लोग अगर जब ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पर, तो ट्रेनिंग करते समय आप लोग का जो सैलरी होती है यहाँ पर कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, सभी कंपनी अलग अलग अपने हिसाब से यहाँ पर सैलरी देती है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए यहाँ पर ये जो कंपनी दे रही है 12,000 पर मंथ आप लोग को सैलरी दे रही है। साथ ही देखिए यहाँ पर आप लोग को एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो आप लोगों के लिए, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, बड़ी बड़ी टॉप एमएनसी कंपनियों में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पर आप लोग लगाएंगे तो आप लोग को अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। अब देखिए ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आप लोग का 1 ईयर। अब देखिए गाइस 1 ईयर का मतलब है यहाँ पर ये रहेगी अप्रेंटिस, ठीक है, अप्रेंटिस रही। अब जो स्टूडेंट पहले से ही यहाँ पर 1 ईयर है, मतलब पहले से ही आप लोग अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस प्राप्त कर चुके, उनकी गाइस एक तरीके से यहाँ पर नॉर्मल जॉब रहेगी, उनका जो है यहाँ पर वर्क अच्छा रहता है तो परमानेंट हो जाएगी। लेकिन आप लोग के जो फ्रेशर हैं वो ट्रेनिंग के तौर पर लिए जाएंगे, ट्रेनिंग के तौर पर लिए जाने के साथ साथ पर मंथली यहाँ पर 12,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा।
यहाँ पर आप लोग का जो है ज्वाइनिंग इमिडिएटली होने वाली है गाइस। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं और आप लोग का रिवर्ट आता है तो आप लोग को इमिडिएटली ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट की प्रोफाइल क्या होनी चाहिए ये देख लीजिए। जैसे आप लोग की जो है डिप्लोमा की जो आप लोग की मार्कशीट है उसमें आप लोग की फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है गाइस आप लोग के डिप्लोमा की मार्कशीट में 60% से अबव ही आप लोग के मार्क्स होनी चाहिए। तो ये चीज़ थोड़े मेन रखी गई है आप लोग की। साथ ही देखिए क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा अगर मैकेनिकल से है इलेक्ट्रिकल से है तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। ये दो ब्रांच आप लोग की एलिजिबल है। इंटरव्यू किस तरीके से होता है इंटरव्यू का प्रोसेस जान लीजिए। सबसे पहले आप लोग का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है, इस चीज़ का थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। रिटन टेस्ट में आप लोगों से बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती है जो आप लोग के डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई जाती है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ में टेंशन ना लें। तो आप लोग का टेस्ट होगा आप लोग की ब्रांच से रिलेटेड और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा आप लोगों का। पर्सनल इंटरव्यू अगर आप अच्छे से देते हैं तो आप लोग का जो डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रोल की बात करेंगे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग रोल रहेगा और यहाँ पर कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस आप लोग की इंडस्ट्री रहेगी। फंक्शनल एरिया प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर रहेगा, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। तो जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रोल कैटेगरी परमानेंट जॉब मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर। अब देखिए अंडर ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल से। आप लोगों से की स्किल कुछ भी नहीं मांगी गई है। अब देखिए अब बात करते हैं अप्लाई की, तो अप्लाई करने का तरीका है आप लोग का यहाँ पर 100% आप लोग आईडी क्रिएट कर लेंगे तो आप लोग यहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई आप लोगों का हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ मेरा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई करते ही आप लोग को दिखा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे ही आप लोग का यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इस तरीके का शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को लिखा जाएगा यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड DET। ओके और यहाँ पर आप लोग को साइन भी यहाँ पर इस तरीके से लिख के आने के बाद आप लोग का जॉब जो है अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए गाइस हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएशन वालों की। जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएट कर रखी है वहाँ उनके लिए यहाँ पर GET की पोजीशन आ रखी है, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ट्रेनी की पोस्ट के लिए। और देखिए वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड आप लोग की यहाँ पर सैलरी रहेगी। यहाँ पर आप लोग की देखिए कंपनी रहेगी, काफ़ी अच्छी कंपनी है गाइस। अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होती है आप लोग की। साथ ही देखिए फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेशर है वो लोग ट्रेनी के तौर पर जाएंगे और जो 1 ईयर एक्सपीरियंस है वो लोग जो है एक तरीके से ट्रेनी के तौर पर नहीं जाएंगे। अब देखिए उनका जो स्टाइपेंड रहेगा ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स का, देखिए पोजीशन ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आप लोग की दे रखी है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही स्टाइपेंड आप लोग का 15,000 पर मंथ दिया जाएगा और साथ ही आप लोग का 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा, 12 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, अप्रेंटिस रहेगी ये। फ्रेशर इमीडिएटली ज्वाइन करना होगा। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते तो आप लोग को इमीडिएटली यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। तो गाइस कैंडिडेट की प्रोफाइल के लिए हम बता दें यहाँ पर, देखिए अगर आप यहाँ पर इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग की यहाँ पर GET मतलब ग्रेजुएशन में आप लोग के 60% से अबव आप लोग यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान दें। और यहाँ पर इसी तरीके से BE वाले हैं, यहाँ पर अगर BE वाले अप्लाई करेंगे तो 60% से मार्क्स ऊपर होने चाहिए, या फिर BTEC वाले हैं तो वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 60% से सभी ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पर 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। क्वालिफिकेशन में अब देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो आप लोगों की ब्रांच है, तो मैकेनिकल वाली ब्रांच है और इलेक्ट्रिकल वाली और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए मैंने अभी फर्स्ट जो GET वाली आप लोगों की प्रोफाइल थी उसके लिए बात की थी, तो उसमें मैकेनिकल से रिलेवेंट जितनी भी ब्रांचेज जैसे प्रोडक्शन हो गया, RAC हो गया, और भी आप लोगों की कई सारी ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, वो सभी अप्लाई कर सकती है। इसी तरीके से इसमें गाइस आप लोगों की अगर यहाँ पर मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी भी ब्रांच है प्रोडक्शन, RAC, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज सभी अप्लाई कर सकती है। 2 स्टेप में आप लोग का यहाँ पर इंटरव्यू होगा। फर्स्ट स्टेप में आप लोग का टेस्ट रहेगा, सेकंड स्टेप में आप लोग का यहाँ पर देखिए आप लोग की यहाँ पर फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। गाइस यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर दी गई हैं, देख पा रहे हैं आप लोग जैसे कि। और यहाँ पर BE BTEC इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर आप लोग GET वाले अप्लाई करेंगे, आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रखी होगी, यहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे। अभी जैसे मैंने आप लोग अप्लाई करके दिखाया, सिंपली आप लोग को अप्लाई कर देना है। तो गाइस आप लोग जो है आप लोग को अप्लाई लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को और भी अपडेट मिलती रहती है और साथ वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।